भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालं वनं भव जले पतताम जनाना। आज के भगवान ऋषभ देव के चरण युगल में भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए देवताओं के मुकुट में जड़ी मनिया प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक चमकने लगती है। भगवान के उन पवित्र चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उनके चरण युगल का आलंबन लेता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूँ। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ स्तोत्र जगत्रितय चित्त हरैरुदारे स्तोष्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोक के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम आदि जिनेन्द्र की मैं अल्प बुद्धि वाला मानतुंग आचार्य भी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मते विगत त्रिपोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर जिस प्रकार जल में झलकते चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। वक्तुं गुणान् गुण समुत्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तु मलमं भुनिधिं भुजाभ्याम। हे गुण समुद्र जिनेश्वर क्या चंद्रमा के समान स्वच्छ आनंद रूप तथा आह्लाददायक आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी समर्थ हो सकता है? नहीं। भला प्रलय काल के तूफानी पवन से उछाले मारते भयानक मगरमच्छ आदि से क्षुद्र महासमुद्र को कोई मानव अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर सकता है? नहीं।